इस तरीके से शुरू हुई कि पहले लेट उठा गया, हैंगिंग ब्रिज पे गए, टोन शूट लिया, फिर पहुंचे हम गडरिया महादेव। So if I am dead, you tell Indian, all India, this man is a liar and corrupt, and that is why I'm dead. इसके लिए तहे दिल से सॉरी, बिकॉज मुझे नहीं पता था ये लेडीज सही है या वो पुलिस वाला। बंदर बहुत ज्यादा है और सामान निकाल लेते हैं भाई, बड़े समझदार बंदर हैं यहाँ के। पिछले बार कपाले के डॉक्यूमेंट्स निकाले थे बैग से, और ये हम पहुंच गए गडरिया महादेव। पिछले बार तो ये नॉर्मल कपड़ों में ही गर्मी लग रही है, और यहाँ पे ये बाइक पहुँचाने में मेरे को पूरा दम लगा है। 230 किलो ऐसे ही थोड़ी होता है। और ये भाई अपने हेलमेट की प्रोटेक्शन करेगा, और हम नीचे कुछ थोड़ा बहुत पिछली बार भी दिखाया था, अब भी दिखा देते हैं। अब उन जो फॉरनर हैं उनकी मैं कहानी बताता हूँ आपको। चक्कर क्या था, वो यहाँ इंडिया में काम करती, तो उनका अब इंडिया की आईडी है। अब इंडिया की आईडी के हिसाब से तो वो यहाँ के लोकल पैसे देंगे, फॉरेन की आईडी के नहीं देंगे। तो ये सिस्टम था, वो भी सही थी और वो देखने के लिए सही था, मतलब उसको लगा फॉरेनर है बट इंडियन आईडी है, तो इंडियन आईडी पे अब अंदर आ गए हैं वो। तो मजा नहीं आया, ड्रोन 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 उड़ाएगा ड्रोन। वहाँ से यहाँ लेके आए, अब की बार ना नहीं याद आ गई, तो इसलिए खड़ा करा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ बैठेंगे यहाँ, और सीधा उधर जाना चाहिए ड्रोन। वो वहाँ पे बाज उड़ रहे हैं, लेकिन रिस्क लेते हैं थोड़ा सा। चलो ड्रोन शूट पे मिलते हैं। इसने दो बार मदद करी भाई ने।
भाई परेशान से पीछे जा रही है। ठीक है भाई, ओके। आई होप कि आपको ड्रोन शूट अच्छे लगे होंगे, बिकॉज मेहनत तो बहुत लग रही है। बाकी कोई नहीं, और अब जाएंगे हम गैपरनाथ है, वो जयपरनाथ है, आई डोंट नो मंदिर है कोई। अब ये मत कहना मंदिर का नाम ढंग से ले ले, क्योंकि यार जिस चीज़ को पता ही नहीं है तो नाम गलत यार सही थोड़ी होता है, नाम तो नाम होता है। और मुझे नहीं पता रियलिटी में जयपर है कि गैपर है, आई डोंट नो। अभी चलते हैं उसी की तरफ, बीच में आएगा एक डैम, मैं जा चुका हूँ लेकिन वहाँ नहीं गया उस जंगली इलाके से। वो जंगली इलाका है अच्छा लंबा, और देखते हैं क्या होता है। एक बंदा कह रहा था खतरनाक रास्ता है, खतरे से तो नहीं डरते। तो चलो, बस पंचर से डरते हैं, हालांकि मेरे पास पंचर किट है, पंप नहीं है। ये बाकी नहीं लगाए, और एक ये उल्टी बागी। यहाँ एंट्री करानी पड़ती है जिसको आगे जाना होता है। तो नीचे से निकल आए 6666। क्या हाल अंकल जी? अच्छा खुद ही लिख दोगे? मैं हिसार से, मतलब अभी कोटा से आया हूँ। कहाँ से निकला है पहले हूँ, जहाँ से वहाँ से लिखना है या फिर जहाँ से है? कोटा। चलिए अंकल जी, थैंक यू। एंट्री करनी है, हाँ जी। मैं कोटा, यहाँ से निकल जाएगा ना कोटा? हाँ, वो क्या कहते हैं मंदिर आएगा ना, वो जयपरनाथ था क्या? रास्ते में आएगा ना, कोटे के बीच में आता है झरना टाइप। आँख में मच्छर बच गया वो वो करते हुए। ब्रेक ओ लगा झटका जोर से भाई साहब, फुल
जबरदस्त। वीडियो बनाना अलाउड है क्यों? आप सेल्फी ले सकते हो एक। सेल्फी तो घर ही ले लेंगे। जो मैं करता हूँ मुझे कॉपी मत करना, ऐसे ड्रोन उड़ा के ट्राई करेगा। अच्छा, ओ बट ज़्यादा स्लो है। दस पैकेट बनाने, 100 ग्राम के। 28 किलोमीटर, यार मजाक है क्या? ये गड़बड़ हो गई बहुत ही ज़्यादा कुछ। रास्ता देखो, वो तेरी की, मैं गलत साइड आ गया, तो वापस जाना पड़ेगा। 27 किलोमीटर रह गया गैपरनाथ। थैले ने थैले नहीं, अब इनका एक इलाज है। रोड पे बिखरवा दिए, अभी एक्सीडेंट और करवाएंगे। मैंने नहीं करा ये रोड पे काम, इन्होंने खुद करा है, कहीं मेरे को गाली दो। ऑन रखूंगा आपकी बार। दो पोलिथीन लेगा। अच्छा, इस साइड से भी बस, और कुछ है ही ना अपने पास। बाय। ये दो पोलिथीन लेगा, मैं क्या करूं? अब भगवान ने लिख रखा था, भगवान ने मेरे को काम दे रखा था, वो तो करना ही था फिर। सही कह रहा हूँ ना? आते हुए तुमसे बहुत बातें मारी थी, एक पैकेट तो दे के जाऊंगा। एक पैकेट किसे को चाहिए? कौन है यहाँ पे इस पैकेट का हकदार? ओके, गुड नाइट, खा लो। कसम से बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और जाते हुए इनसे बात की थी क्या मैंने अच्छी देर तक? कितने छोटे छोटे हैं, कसम से बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन फिर भी लो, पूरा पैकेट नहीं देता, फाड़ के देता हूँ। ऐसे क्यों दूँ, खोल के दूंगा। ये लो, बस और नहीं है, खाली है। गाली मत दियो, तूने खोसा है, मैंने दिया नहीं। बाय। मैं खुद भूखा रह गया जानेवन।
तेरी की पूछ मारी। शीशा ढीला कर दिया। अरे चलो मसूरियों साइड में से चलो ऐड। ये इनके कान कैसे है भाई? ये कान ऐसे डबल डबल कैसे है? मैंने पहली बार देखे हैं ऐसे। ये काट रखे हैं इनके कान। ये आ गया केपरनाथ का रास्ता। इधर से जाना है। स्ट्रेट। पहुंच गए भाई गैपरनाथ। बाइक इधर खड़ी करके निकल रहे नीचे, और नीचे का रास्ता काफी लंबा है। भाई साहब झरने के नाम पे हमारे साथ हो गया बहुत बड़ा धोखा। अब ये देख लो ये है झरना। लगता है ठंड में इतना ही होगा, गर्मियों में ज़्यादा आता होगा। यहाँ पे आने का नुकसान हम नीचे जाके कवर करेंगे। देखो इस कैनन से मैं जितने शॉट ले सका वो मैं ले चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे चलते हुए हेलमेट लेके, मेरे से कैरी नहीं होता ये, तो आप ऊपर से देख लो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है बारिश में। तो मेरे ख्याल से तो मैं बारिश में आना नहीं चाहूँगा, बिकॉज़ बुरा हाल हो जाता है बारिश में मोटो व्लॉगर का। कैमरे बचाओ, खुद को बचाओ, सामान बचाओ, हर 24 घंटे चारों तरफ से पानी पानी। तो ज़्यादा बुरा भी नहीं, बहुत मतलब आपने देखे होंगे ड्रोन शूट नीचे के काफ़ी अच्छे थे। मतलब एक अजीब, मतलब एक अलग ही लोकेशन थी अल्टीमेट। चलो अब यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर बाकी रह गए हैं जहाँ मैं ठहरा हूँ। अब मिलते हैं डायरेक्ट शाम को। पहुँच गया हूँ मैं रूम में और जल्दी से वीडियो एंड कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे नीचे बज रहा है डीजे, क्योंकि ये आसपास ही शादी है और बड़ा बुरा हाल कर रखा है। तो अभी मैं पूरी कॉपी वॉपी कर चुका हूँ, डाटा कॉपी सब कर चुका हूँ, बस वीडियो एंड करने के चक्कर में बैठा था क्योंकि बजने वाला है बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।
होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी। गुड नाइट, लव यू, बाय।